अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में बचपन से अब तक का सबसे ज़्यादा पैसे उनके पास में थे, क्योंकि वो तिजारत करके आए तो 50% का कमीशन हुआ था और जितना माल ले गए थे सब बिक गया। और इसी बिना पर हजरत खदीजा ने कहा था कि ईमानदार सच्चे में इनसे शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, तो उनके पास में माल था। तब अल्लाह के रसूल सल्लम ने 20 ऊँटनियाँ उनको मेहर में दी, विद उसके बाद इतना बड़ा मेहर आपने किसी को नहीं दिया। तो अब इससे भी ये पता चलता है कि मेहर जो है हैसियत के हिसाब से होनी चाहिए। जो भी निकाह करे तो अपनी हैसियत के हिसाब से निकाह दें। तो हमारे यहाँ पे तो मशहूर ये हो गया है, वो उस वक्त का क्या पता कहाँ से लाए वो, और वो आज तक गिनते हैं, बोले नहीं सुन्नत मेहर जो है 32 रुपए की है, और आज भी देते लोग उड़ते भी मान जाती है, उनको बेचारे को इल्म नहीं है तो वो भी कह देती है हाँ 32 नहीं सुन्नत है तो क्या करें 32 में कर लो, ठीक 32 रुपए में निकाह हो जाए। तो ये कि उस हैसियत के हिसाब से होना चाहिए, और मेयर कोई खरीदना नहीं होता है औरतों को कि औरतें खरीद जाए, ये तो क्या है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए एक समाजी सिक्योरिटी उसको दी गई है औरत को, क्योंकि मेयर औरत अब क्योंकि अब औरत क्या करेगी कि इस्लामी निज़ाम को कायम करेगी, उसके घर के अंदर रहेगी, अब बाहर कम ही जाएगी। आमतौर पर जो है औरतें मुस्लिम औरतें नहीं करती है काम तो नहीं जाएगी, हाँ काम कर सकती, मना नहीं, हदों के अंदर रहकर वो काम करना मना नहीं, जॉब करना बिजनेस करना उसको मना नहीं, लेकिन हदों के अंदर रहकर वो कर सकती है। तो आमतौर पर उसको बच्चों की तरबियत करना है, घर में रहना है, घर का ख्याल रखना है, तो उसके पास इनकम का सोर्स नहीं होता शादी के बाद में, तो इसलिए ये सिक्योरिटी रखी गई कि उसके पास से मेहर होना चाहिए, तो इसलिए उसको वो दी थी, इसको वो खरीदना और ये चीज़ें नहीं, तो इसलिए मेहर रखी गई, ये उसकी प्रॉपर्टी है, और इसको खर्च करने के लिए उसको शोहर से पूछना नहीं, और शोहर उससे पूछ भी नहीं सकता है कि तुमने ये पैसा कहाँ खर्च करा, वो चाहे जो उसके माँ बाप को दे दे, भाई को दे, बहन को दे, कुछ भी करे, शोहर को कोई हक नहीं है कि वो मेहर के बारे में उससे पूछे। और निकाह में मेहर ये भी है कि नगद देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम से सहाबा से यही मिलता है कि नगद दिए थे वो, और हैसियत के हिसाब से जो होता था वो दिया करते थे। अब हमारे यहाँ पर ये होता है कि उस वक्त तो देते ही नहीं, उस वक्त तो लिखा देते, उधार लिख लो, अब देते कब है फिर, अब ज़िंदगी भर भी नहीं देते, अब वो कब मिलता है, अब वो मिलता जब है कि जब वो शोहर मर जाता है, अब शोहर मर जाता है तो फिर औरत के ले जाते उसके कान के पास, बोले अब उसके कान में बोल कि मैंने मेहर माफ़ किया, तो औरत भी बेचारी गम में रहती है, वो भी बोल देती है कि ठीक है ज़िंदगी भर तो दिया ही नहीं, मरने के बाद क्या देगा, बोल नहीं तो माफ़ करो जब। लेकिन मसला ये है कि ठीक है उस वक्त तो उसने आपने बोल दिया और उसके कान में बोला ठीक है मुर्दा है, और आपकी तरफ से तो हक, औरत की तरफ से तो हक होता है, उनने माफ़ कर दिया। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, औरत का मेहर बाकी है और औरत मर जाए, अब कर्जा रह गया आदमी के, वो तो कर्जेदार तो जन्नत नहीं जाएगा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। तो ये अगर किसी का बाकी हो तो उसको अदा कर देना चाहिए, और हो तभी इसको नगद में ही करना चाहिए, जो हैसियत तो उस वक्त दे देना चाहिए। और बजाय इसके आप अगर 1-1 लाख 2-2 लाख का मेहर बांधते उधार के अंदर, बोले देना किसको है, तो वो बनाओ 101 लाख 51-2 लाख 2.5 लाख 5 लाख देना किसे, बना उधारी में क्या जा रहा है, वो उधारी में तो हमारे यहाँ पर कहावत है कि उधार लेकर घी पियो ताकि वसूलने आए तो उसी को मारो, तो उधार जार लिखा रहे तो लिखाओ, तो इसलिए करते हैं। हालांकि ये ना आप उसको नगद रखेंगे तो 5 लाख के बजाय 50,000 में काम हो जाएगा, आप ये कह देंगे ना खुद कि मैं कैश दूंगा तो 50 दूंगा 51 दूंगा, तो फिर वो मान जाएगी 50 की अभी मिल रहा हो ले लो, बात की किसने देखा, तो कैश में आ जाएगा, तो उसको कैश ही करना चाहिए। और ये है कि अब हमारे यहाँ पर ज़्यादातर तो लोगों को ये तसव्वुर नहीं हो सकता, किसी को बोले तो बड़ा ताज्जुब से देगा कैश मेहर, अरे तो तलाक पे देना पड़ता है, वो तलाक पे भी कहाँ देगा, वो जब तक कोर्ट में केस नहीं चलेगा, झगड़ा नहीं हो, झगड़ा हो जाए तो फिर ऐसे ही दे देगा क्यों, फिर तो केस चलेगा लंबा, उसके बाद की बात है, फिर कोर्ट तय करेगी तब जाके मिलेगा। तो मेहर तो नगद देना चाहिए, और निकाह नामा में लिखवाया जाता है, और ये अल्फाज पर गौर करें, निकाह नामा जिसका भी होता है उसमें लिखा रहता है सिक्का राइजुल वक्त, वक्त का सिक्का जो आज चल रहा है वो, अब आपने उधार कर लिया तो ये आप उसको 20 साल बाद दे रहे हैं, और आपने उस वक्त मेहर लिखाई थी उसकी 50,000 51,000 1 लाख जो भी, अब 20 साल बाद दे रहे तो आपने सिक्का या राजू वक्त लिखाया है, तो उस वक्त की उस सिक्के की वैल्यू है उसके हिसाब से उसकी रकम बढ़ जाएगी, आपको वो देना पड़ेगा, सोने के हिसाब से लेना पड़ेगा।
सोना मियार होता है करेंसी का, तो आपने उस वक्त में जो किया था, अब उस वक्त मान लो आपने निकाह किया और सोना था 3,000 का 20-25 साल पहले और आज ये 30,000 का, आपने उस वक्त 1,00,000 मेहर रखी है, तो आज आपको उसकी मेहर को 10 गुना बढ़ा के देना पड़ेगा, 10,00,000 देने पड़ेगा। इसको बोलते हैं सिक्का, वो लिख तो देते हैं लेकिन वो देंगे भी इतनी, तल्लाक हो गया जो भी मामला हो गया तो फिर वो देंगे कितने, बोले इतनी लिखाई थी 51, अब 30 साल बाद तल्लाक दे रहा हूँ 51,000 रुपये देगा, या उस वक्त जो लिखाई होगी 1100-1200 रुपये वो अब देगा, क्या काम की हो। तो वो वक्त के हिसाब से आपने लिखवाया है उसमें, वो लिखवाते हर निकाहनामे में लिखा था सिक्का है राजेल वक्त, तो वो उसके हिसाब से बढ़ गया कि देना पड़ेगी, नहीं तो उधार है कि अल्लाह के यहाँ जवाब इसका देना पड़ेगा।